बेगूसराय में नए साल के पहले ही दिन अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए राह चलते एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के विशनपुर की है। बताया जा रहा है कि विशनपुर निवासी हर्ष कुमार आज अपने दोस्तों के साथ नए साल के लिए घूमने के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि विशनपुर निवासी हर्ष कुमार आज अपने दोस्तों से मिलने के लिए नए साल की उसे उन्हें बधाइयां देने के लिए सर्वोदय नगर की ओर जा रहा था। इसी क्रम में विशनपुर गली के नजदीक दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हर्ष कुमार वहां से गुजरने लगा अपराधियों ने हर्ष पर गोली चला दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल हर्ष की निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रही है। डॉक्टरों के अनुसार गोली हर्ष कुमार के छाती में लगकर फेफड़े तक पहुंच गई है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर सारे बिंदुओं पर छानबीन में जुट गई है। बेगूसराय से जिवेश तरुण की रिपोर्ट। इनको जैसा कि बताया गया है, दो आदमी के झगड़े के बीच में बगल से जा रहे थे, गोली चली और इनको छाती में गोली, बाएं साइड के पंजरा के पास छाती में गोली लगी है, जो फेफड़ा के पास जाके अटका हुआ है। काफ़ी ब्लीडिंग हुआ, जिस वजह से इनका बीपी बहुत लो है और अभी थोड़ा सा पेशेंट का सिचुएशन क्रिटिकल ही माना जा सकता है। इसलिए हम लोग अभी बीपी वाइटल्स जिसको कहते हैं उसको स्टेबल करेंगे, उसके बाद दो घंटे के बाद इनका ऑपरेशन करके उसको निकाला जाएगा। अभी तो स्थिति नाजुक ही कहा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ और फेफड़ा एक सेंसिटिव अंग होता है, उसमें फंसा हुआ है। बाकी बात जो ओटी में होगा और ओटी में खोलने के बाद पता चलेगा और कितना इंटरनल डैमेज हुआ है। अभी क्रिटिकल ही माना जा सकता है इस पेशेंट को।